यार जो भी नहीं नत्ती ले पूछ रहे हो पकड़ के क्या गोली कर रहे हो यार आओ यार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन राव, स्वागत है आपका पी माइनर व्लॉग्स में। और जैसा कि आज है संडे, संडे मतलब अपना खेलने का दिन, और चलेंगे अभी थोड़ी देर में क्रिकेट खेलने वही अपने अड्डे पे, अपना जो सीमेंटेड ग्राउंड है, टाइल्स वाला ग्राउंड बिना ग्रास के। टेनिस की बॉल से खेलते हैं तो फिर उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी फ़िलहाल 7:30 हो रहे हैं अभी सुबह के, मैं निकलने ही वाला था जब तक रिंकी ने बोला भाई मैं ज़रा नहा धो के आती हूँ तो उसके बाद चले आना, क्योंकि चीनू यहाँ पर अकेला ही अभी ऊपर। अभी फ़िलहाल मौसम का हाल तो ठीक है, धुंध वगैरह नहीं है उतनी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन में शायद बारिश हो, ऐसे आभास हो रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो ऐसा लग रहा है कि भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और ठंड जैसे ठंड आती है ना तो भी बारिश होती है, मतलब एक बारिश होती है उसके बाद ठंड शुरू हो जाती है, और ठंड जब जाती तब भी शायद एक बारिश होती है और फिर ठंड ख़त्म हो जाती है। अभी हम रिंकी का वेट करते हैं और फिर उसके बाद आपको लेके चलेंगे डायरेक्ट ग्राउंड पे। तो भाई आ गए हम ग्राउंड पे और मैच शुरू हो गया, और अपनी टीम के भी बैटिंग है और ओपनिंग वाले बंदे जा रखे हैं अभी, और ठंड तो भाई बहुत है अभी भी, हाथ जेबों से निकल नहीं रहे देखो भाई हमारे बैट्समैनों के। आज देखते हैं हमारी बैटिंग आती है कि नहीं आती है, फिलहाल तो उम्मीद है कि भाई आ ही जाएगी आज, तो देखते हैं आज बैटिंग का हमारा कि क्या सिलसिला होता है। तो अभी मैच खेल के आ चुका हूँ फिलहाल, और हम जा रहे हैं नए घर की तरफ। आप जैसे देख सकते हो पीछे सामान की चट्टा लगी हुई है, सामान छोड़ने जा रहे हैं। तो आज है संडे तो फटाफट हमने कहा जितने चक्कर लग सकते हैं सामान के वो लेके जाते हैं। मैच का हाल भाई देखा ही होगा आपने, रन आउट हो गया आज बड़ी मुश्किल से, 2 संडो 3 संडो बैटिंग आई, 2 बॉल खेल ली उसके बाद रन आउट ही हो गया। बताओ यार, वो कॉल थी, मतलब मेरी कॉल थी, बंदा आया ही नहीं उसको, मतलब अगर वो स्टार्ट ले लेता तो रन हो जाता, मतलब उतना बहुत गैप था उसमें, बट चलो कोई बात नहीं, पाक है गेम। आज मैच हार गए हम, नहीं बना पाई हमारी टीम 20 ओवर में, करीबन 72 पे ऑल आउट होगी, वो जीत गए थे भाई। तो बॉलिंग में ठीक रहा, बॉलिंग में भाई इनिंग्स की पहली बॉल में विकेट ली, पहली बॉल पे बोल्ड मारा, और उसके बाद 2 ओवर डाले मैंने, हाँ 2 ओवर डाले मैंने, करीबन 7-8 रन पड़े और एक ही विकेट मिली, बाकी उसके बाद बंदों ने औरों ने रन खा लिए थे, और फिर उसके बाद आई हार गए तो कोई दिक्कत नहीं। भाई अपना हो गया टीवी इंस्टॉल, तो यही था अपने लिए कि जो मैं बता रहा था कि आपको कि भाई ये टीवी मंगाया था हमने 1+ का, ये इसका कॉस्ट करीबन 84,000 का था, पर हमको पड़ा ये करीबन 65,000 में, जो कि अमेजोन की सेल चल रही थी एंड लास्ट मोमेंट पे हमने मंगाया था। तो ये देखिए क्वालिटी अच्छी है इसकी, मतलब साउंड क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया है, एकदम अच्छे से इंस्टॉल हो गया वो, और ये रहेगा अब सेंटर में एकदम हमारा टीवी। ये देखिए इस पे 4K वीडियो ऐसे दिखेगी मस्त एकदम बढ़िया, ये तो इधर जाके पता भी लग रहा है टीवी है क्या, ज़्यादा क्लोज जाने के बाद। वॉलपेपर टाइम नहीं लग रहा आशीष जी, दूर से ऐसा लग रहा वॉलपेपर चिपका रखा होगा हमने। इसके साथ अटैचमेंट में मतलब जो मिला हमको रिमोट, एक तो ये रिमोट मिला, और इसको बेस अटैचमेंट भी है इसकी, तो ये बेस अटैचमेंट यहाँ पे पड़ी हुई है ये, और ये इसके वारंटी कार्ड और एक दो लीड्स वगैरह छोटे मोटे स्क्रूज उसमें है ना वो लगे हुए, अगर बेस अटैचमेंट होती तो यहाँ पे लग सकता, पर हमारे पास जगह ही नहीं है तो हमने वॉल माउंट ही किया इसको, वॉल माउंट ही अच्छा लग रहा है।
और सबसे बड़ी खासियत इसमें जो इसकी साउंड बार है, तो ये साउंड बार हमको साथ में मिली है इसके, जो कि एटमॉस डॉल्बी साउंड बार जो है उसकी है ये। तो मम्मी पापा भी आ जाएंगे अब एक दो दिन में, उसके बाद बस आ गया भाई 25 तारीख अपना शिफ्टिंग टाइम, प्रॉपर हवन होगा, बढ़िया सा दिखाएंगे आपको, और गृह प्रवेश अपना नए घर में। जब तक मैं एंजॉय करता हूँ इस 4K रेजोल्यूशन की स्क्रीन के मजे लेता हूँ। भाई जिस काम के लिए आए थे वो भी तो करना है मैं तो भूल ही गया था कि भाई सामान भी उठाना है, सामान भी लेके जाना भैया। पोर्टर सर्विस खोल लूँ क्या बाप अपनी? इसमें क्या है, इसमें तो गड़बड़ी है भाई, क्या है ये डम्बू जैसा? ओ भाई 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 बड़ी दिक्कत है यार। ओहो हो, अबे कहाँ रखना है ये? क्या है वो? यहाँ क्यों रख रहा है? वहीं रखना नीचे। अभी वो फिर साफ सफाई होगी तब करेंगे भाई इसका मैटर सॉल्व। देखो जी कड़क कैसे कर देगा, नीचे रखना है यहाँ पे। हाँ सब रहता बना रखना है, पंखा भी चल गया क्या? ये मैंने इंस्टॉल करने में लगा रखी कुछ ऐप्स इस पे। भाई कहता भाई सामान तो रख ले, आज लगता मैं क्या 2-3 चक्कर लगेंगे, लग तो जाएंगे ऐसा लग रहा है। अबे गठड़ी किसकी है ये कि बताओ यार, चल तो मैं गठड़ी बना के रख दी। अरे भैया बहुत भारी है ये, कुछ नहीं है जितना तू दम लगा रहा है ना, कुछ नहीं है उसके अंदर। ओबे उसमें बहुत कुछ है यहाँ, देख रहा है कितना जोर लग गया है। शैतान यहाँ क्या कर रहा है? शैतान का वहां कानून का शैतान को देखो इसको, ये देखो। आहा अभी तक हंस रहा था। ओ ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, ओए ये मेरा शैतान लगा हुआ है यहाँ पे पंगे लेने में। देखो कुछ ना कुछ करेगा वहाँ पे जाके, अभी मोबाइल उठाएगा वो। अरे मुझे नींद आ रही है, अब खाना खा के क्या कर रहा हारू? क्या लाइट जला दी तूने वहां पे उसकी? ओए गंदा बच्चा, ओए गंदे बच्चे आरू। तो भाई अभी सो के उठा हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले, आज ही जा रखा अपने दोस्तों के यहाँ पतंग उड़ाने, आया नहीं अभी तक, काम जाना था भाई सामान ऊपर पड़ा हुआ रखने के लिए, और वो प्लाई वाले का फोन आया था वो भी आया ही नहीं अभी तक। और यहाँ देखिए वो, चलो चलो आया नहीं आया वो बाद में देखते हैं, पर यहाँ देखो क्या हो रहा है, और देखो क्या बन रहा है। हाँ जी क्या बना रहे मैडम? भाई साहब गाजर का हलवा, और यहाँ पे पास्ता, और फिर ड्राई फ्रूट्स। तो रिंकी ने आज पता नहीं कहाँ से इसका मन कर गया कि भैया गाजर का हलवा बनाते हैं और साथ में पास्ता। चलो मैंने बोल ही रखा था इसको एक दो दिन पहले कि भाई पास्ता खाने का मन कर रहा है बना दे, पर गाजर का हलवा आउट ऑफ सिलेबस था। तो वेल डन रिंकी, वेल डन क्या होता है? थैंक यू। तो गाजर का हलवा इसने पता नहीं कब, मैं सोए में पता नहीं कब बनाया इसने भाई। जब ये अभी क्या हो रहा है रिंकी, इसमें क्या चल रहा है? खोया बोलूँ आशीष को लेके आने के लिए? बोल देता हूँ ना फिर लाएगा क्या उसमें, तब क्या हुआ खोया भी डाल दे, क्या दिक्कत? ले बोलता हूँ उसको भी फोन करके। भाई ये रिंकी का बन गया यहाँ पे पास्ता, ये देखो भाई साहब, आ हा 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 वेजी पास्ता। और ये कुकर में गजरेला, पहली यार देखा मैंने कुकर में गजरेला का हिसाब किताब, पास्ता तो चलो बढ़िया दिख रहा है एकदम। रिंकी जी आपने कुकर में गजरेला बनाया है?
मैंने तो पहले जिंदगी में पहली बार देखा है गजरेला कुकर में। मम्मी की टोपी उतार दे, चल टोपी उतार दे, टोपी टोपी मम्मी की टोपी उतार, टोपी उतार दे मम्मी की, मम्मी की टोपी उतार दे, टोपी देखो कैसा लग रहा हूँ मुझे, ऐसा लग रहा सर में ना टोपी नहीं कुछ पगड़ी पहनी हो उसने, ऐसा दिख रहा मुझे। रिंकी गजरेला कुकर में कैसे बनाया तुमने, ये ट्रिक कैसे बनाई तुमने, सीटियाँ लगाई तुमने वहाँ? ओहो, हाँ जी उठ गए हो, बस दो ही तो काम है आपके पास, खाओ और सो जाओ, खाओ और सो जाओ। है ओए ओए ओ चपड़ गंजू, मम्मी की टोपी तो खींच दे एक बार जैसे खींच रहा था पहले उस दिन। आरू मम्मी की टोपी खींच, मम्मी की टोपी खींच, मम्मी का बोदा टोपी वाला बोदा खींच, टोपी वाला बोदा क्या खिला दी सेरेलैक्स क्या देना है, वो कहाँ है बेबी? भाई साहब बच्चे को सब चाहिए, किधर रखा है बिब? बैग की जिप में आगे ही पड़ा हुआ, आगे तो नहीं है। लो भैया पहनो अपनी बिब शिब, ये लो ये लो पहनो ये, हाँ जी आ गुगु बैठा के तो देख रहा, कह रहा क्या लगा दिया इसने मेरे वो निकाल दिया नो आ कर आ कर खा ले। तो चलिए भाई हम भी खाते हैं पास्ता, आशीष तो आया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, उधर से जाना भी था भाई, कल्टी मार गया वो तो। चलिए हम खाते हैं पास्ता, पास्ता। तो गाइस एज यूजुअल हम बाप बेटे दोनों ऊपर आ गए, खा पी के अपना दोनों मस्त, ये देख ए ए का है मेरा फोन मत पकड़, बंदर कहीं गए, बंदर है तू, बंदर बंदर है तू, बंदर बंदर है तू, बंदर 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 बंदर। तो भाई आज का दिन भी समाप्त हुआ, आज के दिन में कुछ क्या हुआ खास, बस वही क्रिकेट खेला, उसके बाद सामान उधर टीवी आ जाया अपना एक, और उसके बाद बस घर आके पड़े रहे सोए रहे, पास्ता खाया है ना, गाजर का हलवा खाया, बस हाँ खाया खाया भाई, तुमने भी खाया, तुमने भी खाया, तुमने भी खाया। कल से फिर वही ऑफिस वगैरह चालू हो जाएगा अपना, और भी छोटे मोटे काम, अभी बस एक दो दिन और रह गए, ये जितना भी सामान अभी ये दिख रहा है अलमीरा वगैरह, ये देखो कुछ कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये पैक करके यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो पहले तो कल ये जाएगा सुबह सुबह, एक चक्कर छोड़ आएंगे सुबह, और बाकी जितना बड़ा बड़ा सामान है मोस्टली 25 तारीख से लेके 26 तारीख मैक्स सारा शिफ्ट हो जाएगा, ऑर्डर वगैरह करेंगे देखेंगे, और उसमें सारा सामान अपना निकल लेगा। ए गुगु गिर 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 मंकी कहीं गए, ओह सर दर्द हो गया यार, ठंड बहुत ही ज्यादा चल रही है अभी भी, कब होगी ठंड भाई, कब तुम ये मंकी टोपी से बाहर आओगे, हैं कब आओगे? अच्छा कुछ तो बता रहा है वो समय में नहीं आ रहा, चल ठीक है कोई डेट बताई क्या तूने अभी कि इस समय ठंड कम हो जाएगी, हैं आप टर 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 आ टर। ओह तो चलिए भाई रूम गर्म करने को मैंने हीटर लगा रखा है, अभी फिलहाल ब्लोअर चल रहा है अपना, थोड़ी देर में रूम अपना गर्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बिपिन रावत साइनिंग ऑफ, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अरे यार छोड़ दे यार मैं ख़त्म कर रहे दे ये बाद में खा लेना भाई।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने आसपास का ध्यान रखिएगा। ठंड बस अब जाने वाली है, कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर कुछ टाइम बसंत ऋतु जो नॉर्मल मौसम रहेगा वो रहेगा और उसके बाद शुरू हो जाएगी भाई बेहतरीन वाली गर्मियाँ। और गर्मियों में फिर वही पसीना ये वो सब अपना शुरू हो जाए। तू मेरी टोपी में तो उतारना, मेरी टोपी के पीछे मत पड़ा आ रहा हूँ मैं, ठंडी लग रही मुझे। मत कर मत कर, मैं कह रहा हूँ मत कर मत। नहीं नहीं सुधरेगा ना तू, नहीं सुधरेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।